अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कि आयो मैं तो ठीक ठाक हूँ। अज असा जिक्र कदासी इदरीस सरकार के बे किताब सिंधियन के कराची में बेदखल करने की साजिशों फैसला ही अमल 1988 ईस्वी का 2012 ईस्वी ताई विचार उन बारे में रिव्यू कदसमा तुम गुड राशिद लगारे इब्तदा कदासी उस्ताद बुखारी के खूबसूरत शेर से। उस्ताद चे तो रुगो हिकड़ो बारो तके को ताकू, रुगो हिकड़ो बारो तके को ताकू, सजो मुल्क जेकी तकिन था उहे छा, फकत हिकड़ो घर लुटे को डाकू, सजी सिंध जेकी लुटन था उहे छा। सवे कानून सिफन ते मुश्तमिल इन किताब जो लेखक इदरीस रिगारी आए, जिनकी कीमत 300 रुपया आए, छपाइंदड़ रूमी पब्लिशर्स वारा आए। जिया तो इन किताब जो नालो ही आए सिंधन के कराची में बेदखल करने की साजिशों फैसला ही अमल, उन कर इन किताब में कराची में हुकूमत राज कदड़ एक दहशतगर्द तंजीम MPM के हराम पाए सियासी ब्लैकमेलिंग कर मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों तौर गुरुओं का पाँचा नाजायज़ मुतालबा मंजराए नाजायज़ फ़ायदा मरातू वे सिंधन के हक़ की लताड़ कर उन घर मसमार कर कराची में साम्राज्य हिकती कायम करने के बारे में लिखो वो है। पाकिस्तान में मजमू तरह सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, तंहिं करे हिन किताब में MQM सां गॾु पीपल्स पार्टी जो बि ज़िक्र कयो वियो आहे, जेका सिंध मां वॾी अक्सरियत सां चूंडनि में कामयाबु थींदे इक़्तदार धणी थींदी आई आहे ऐं सिंधी क़ौम ऐं आवाम जो इस्तेसाल कंदी आई आहे। तारीख़ शायदि आहे MQM शुरू खां दहशतगर्द तंज़ीम पई रहंदी आई आहे। MQM जहिड़ी दहशतगर्द तंज़ीम खे वजूद में सिंध सिंधियुनि जे हक़नि जे इस्तेसाल ऐं सिंध में टकराव वारी सियासत खे मुंहुं ॾियण लाइ पैदा कयो वियो। अगूने आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल असलम बेग रोज़ानी कावश 5 सितंबर 2009 में लिखे तो जनरल ज़ियाउद्दीन सिंधियन जी कावड़ के नज़र में रखते MQM ठहराई। सिंधी अज़ीम दाव जनाब रसूल बख्श पली जो सियासी अदब जुल्द पहिरें सिफ़ो नंबर 622 लिखे तो दुनिया के बेन समूर दहशतगर्द टोलन वगैरह MQM दहशतगर्द टोली जैसे पाकिस्तान के इक़्तदारी माफिया खास कर ज़ियाउल हक़ असलम बेग अगूने आर्मी चीफ तैयार कर हथियार पवार दई फोरू ज़ालिम सिंधी वडेरा शाही के हथा अगे ही मौल बोझ सिंधी कौम के गर्दन मथा सुवार कयो। इन किताब में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतन का वेंदे बेनज़ीर का पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008-12 ताई जै हुकूमतन में सिंध ए सिंधन से थियल वेसा घाटन नाहकन फुरलुट इस्तेसाल जो तफसील से जिक्र कयल है। सिंध से हुए तो 1947 जैसे पाकिस्तान ठयो है नाइंसाफी थी रही है, पर इतने 1988-2012 ताई जो जिक्र दिनो है। इन किताब में दरअसल MQM जो पैदा थियण जो मकसद उनके वजूद में आंदड़ियों का MQM जो मुख्तलिफ़ हुकूमत का नाजायज़ सियासी मरातू फ़ायदा वन नाजायज़ मुतालबा मंझराने जो तफसील इन लाइ त कराची में कि सिंधन के फुरोए लुटे उन घर दाय MQM उत MQM के आबाद किया उनके छाड़तन के आबाद पो वे उन समूरों सरबस्तो अहवाल इन किताब में नाए कि MQM जड़ी दहशतगर्द तंजीम पीपल्स पार्टी बेन सियासी तौर अस्करी जमातन के सियासी ब्लैकमेलिंग कर यरगमाल बनाए कराची अलो तलो लिखाए थे वरतो ए सिंधी वसजने गोठन के जाए मुकम्मल मसमार कर कराची में लड़ायो थे वो। बको लेखक के MQM जो जन्म कें भी दाद जबर हकतल थे नाइंसाफी कर न पर सिंधी कौम उन धरती वसीलन से मुकम्मल कब्जो कर मकामी मुल्की बैन अवी फोर तबकन के इंतई घटिया किरल नीच का नीच अमलन जो आला सबूत है। MQM अमेरिका के आशीर्वाद से पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ज़ियाउल हक़ असलम बेग पीर पागर खास नवाजिश कौसली शाह जन नेक मर्दन की मर्दानगी से हजारों सिंधी मान के कत्ल कर हजारों सिंधी मान की असमत लुटे उन छातियों कपे सिंधी मान के जीवन में मरण जन वसीलन से कब्जो कदे वरी थी रही है। पांजे जन्म 1985 का वी MQM अज ताई पाकिस्तान में थीड़ हर किस्म की दहशतगर्दी एक निज निरालो उत्तम आला नमूनो है। संस कारनामन हासिलात में हर किस्म की दहशतगर्द सिज की रोशनी जी पधरे पटाए संस दहशतगर्दी या कारनामन में लखें मासूम बेगुनाह मान जहाँ कत्ल मासूम बेगुनाह आवाम से हर किस्म की दहशतगर्दी आम मुलाजमन आफिसर से दहशतगर्दी व्यापार में कारोबारी मान से दहशतगर्दी मिलन फैक्ट्रियन के मालिकन से दहशतगर्दी जजन वकील मुखालिफ सियासी पार्टियों से दहशतगर्दी सहाफिन अखबारी मालिकन का वेंदे एक मजूर मोची से दहशतगर्दी कंखा भी लिखल ना है। पीपल्स पार्टी शुरू का MQM से मेहरबान पे रही है उनका नाजायज मुतालबा मनी सिंध सिंधन का हक गजब कर MQM के पे नवाजो है। MQM पैं जन्म का वी सिंधन के कत्ल कर शुरू कर 1985 का वेंदे 1988 तीन सवें हजारें सिंधन के कत्ल कर चुकी सवें सिंधी औरतन की असमत लुटे उन छातियों कपियों संद हथ अड़ी दहशतगर्दी में रंगल हुआ तो बेनज़ीर साहब अड़ी दहशतगर्द तंजीम लाइ
एमकेएम वधियूं कुर्बान ॾिनियूं आहिनि। बेनज़ीर साहिबा अहिड़ी दहशतगर्द तंज़ीम लाइ चयो त एमकेएम वॾियूं क़ुर्बान ॾिनियूं आहिनि। ऐं पोइ बेनज़ीर साहिबा अहिड़नि क़ुर्बानीनि जो थोरो ऐं कर्ज़ु लाहींदे वफ़ाक़ी हुकूमत 2000 ऐं सिंधी सूबाई हुकूमत में हिकु वॾो हिसो ॾियण जा उन सां गॾु मशहूरु ज़माना कराची मुआदो करे 59 नुक़्तनि वारो सिंध दुश्मन ड्राफ्ट ते पूर्ण सयूं कयूं हुयूं। पी पी एम के एम जा न सिर्फ़ु लिखत में कयल मुतालबा पूरा कया पर के मुतालबा अहिड़ा बि हुआ जेके लिखण लाइक़ु न सम्झा विया या लिखण लाइक़ु न हुआ उहे बि पूरा कया विया, जंहिंजो इज़हार ॿिए कंहिं न पर ख़ुदि उन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंधी वज़ीर ऐं हाणोके इंसानी हक़नि जे नुमाइंदे इक़बाल हैदर एडवोकेट 26 नवंबर 1999 जे रोज़ानी इबरत पंहिंजे आर्टिकल में लिखंदे एतिराफ़ु कयो त कराची मुआदो बुनियादी तौर ते 59 नुक़्तनि ते मुश्तमिल हुआ ऐं घणियूं सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं नुक़्ता बि हुआ जेकी मुआदे में दर्ज न हुआ। वक़्तु ब वक़्तु ज़ेर बस ईंदा विया ऐं उन्हनि ते थोरो या घणो अमल थींदो रहियो। 0-57 बको लेखक जे हिकिड़े पासे सिंध खे बहाना करण जी कोशिशि कई पई वई त ॿिए पासे सिंधियुनि खे कराची मां बेदख़ल करण जो कमु पीपल पार्टी जहिड़ी क़ौमी अवामी ऐं जमहूरी दौर में बि ज़ोर ऐं शोर सां जारी हो। 3 जुलाई 1999 जी इबरत में आहे त वरनि खां आबाद सिंधी पंहिंजे अजन खां बेदख़ल कराची नार्थे ॻोठ में 30 सालनि खां आबाद सिंधी खानदान जो झोपड़ियूं मसमार इंतिज़ामिया 5000 झोपड़ियूं ठाहे सवाइ सिंधी खानदाननि खे बेघर करे छॾियो। सिर्फ़ु 5000 झोपड़ियूं हुयूं जिन में 1,00,000 सिंधी माण्हू आबाद हुआ ऐं कराची इंतिज़ामिया उन्हनि खे हिकिड़े ई धक सां बिलडोज़ करे छॾियो ऐं असांजे सिंधियुनि जी हुकूमत अलाए कहिड़े मुआदे या मुफ़ाहिमत तहत माठ कयो वेठी हुई। रोज़ कराची में सिंधियुनि जा ईअं ई ॻोठ डाठा पिया विया जंहिंजो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई मक़सदु हो त सिंधियुनि खां कराची खाली कराई वञे। जेको प्रोग्राम कामयाबी सां हलंदो रहियो पी पी एम के एम जी सिंध दुश्मन ठा जे 59 नुक़्तनि मां हिकु नुक़्तो ई हो त सिंध जे समूरनि मक़ामी बेघर माण्हुनि खे प्लाट ॾेई घर वठण लाइ कर्ज़ु ॾिबा, जंहिंजो अमली मतिलबु हीउ निकितो कराची मां सिंधियुनि खे जेके 30-40 सालनि खां रिहाइश पज़ीर आहिनि उन्हनि पुराणनि ॻोठनि खे डाहे पट करियो त एम के एम जे दहशतगर्दनि खे प्लाट ॾेई घर ॾियण लाइ कर्ज़ु बि ॾिबा। वफ़ाक तरफ़ां सिंध में जेकी गवर्नर मुक़ररु कया वेंदा आहिनि उन्हनि मां हिकिड़े अॻूणे गवर्नर एम के एम ऐं सिंध जे पीरनि वॾेरनि सैदनि ऐं सरदारनि बाबति जेका रिपोर्ट ॾिनी तंहिंखे हिते पेश कजे थो, जंहिं मां अंदाज़ो थी वेंदो त सिंध ऐं सिंधियुनि ख़िलाफ़ु मुल्की सतह ते केॾियूं वॾियूं साज़िशूं अमल न सिर्फ़ु माज़ी में थिया पर अॼु बि अहिड़ियूं साज़िशूं जीअं जो तीअं जारी आहिनि। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांदाद खान 7 अप्रैल 1984 खां 4 जनवरी 1947 ताईं सिंध जो गवर्नर रहियो आहे। इस्लामाबाद हिकिड़ी गॾजाणी में वाज़े ईमानदारनि तर्ज़ियो, आउं सिंध जो गवर्नर रही चुको आहियां, सिंध बाबति चङी तरह ॼाणा थो। असांखे उनखे कीअं हलाइणु घुरिजे तव्हांजा ख़दशा ग़ैर ज़रूरी आहिनि। जेको ओभर पाकिस्तान में थियो सिंध में ईअं न थींदो, उहा हेठें सबबनि जे करे बंग्लादेश नथी थी सघे। नंबर पहिरियों एराज़ी जे लिहाज़ खां सिंध बंगाल वांगुरु 1000 किलोमीटर परे न आहे। असां आराम सां कंहिं बि वक़्तु ऐं किथे बि चाहियूं त पहुची सघूं था, असांखे केर बि रोके नथो सघे ऐं उन जी असांखे परवाह बि न आहे। नंबर ॿियों एम पी एम असां सां गॾु आहे। नंबर 3 सिंधी पीरनि सैदनि वॾेरनि ऐं सरदारनि खे पाण चङी तरह सुञाणूं था, असां उन्हनि खे पंहिंजे इशारनि ते हलाए दॿाए ऐं ख़रीद बि करे सघूं था ऐं साॻिए वक़्तु आसान सां उन्हनि खे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ बि करे सघूं था। उहे सभु जा सभु बेईमान आहिनि। नंबर 4 सिंधी जा कॉम्परस्त गैर मंज़िम आहिनि, बग़ैर कंहिं मंज़िल या मक़सद जे जज़्बाती लिहाज़ खां मुख़्तलिफ़ टोलल में विरिहायल आहिनि। उन्हनि में केतिरा असांजा भर्ती कयल ऐं असांजे हिदायतनि ते हलंदड़ मुक़ररु पघारदार आहिनि। नंबर 5 जेसिताईं सिंधी माण्हुनि जो तालुक आहे, जेकॾहिं उहे उथी पिया ऐं कुझु कयूं त असां उन्हनि खे उते मैदान ते ई ख़तमु करे छॾींदासीं। तव्हांजा अंदेशा ऐं ख़दशा ग़ैर ज़रूरी आहिनि। हवालो सिंध क्वार्टरली 1992 नंबर